तो दोस्तों कैसे हैं आप? स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन की तरफ से मैं विकास आपका फिर से एक बार वेलकम करता हूं। और अभी मैं हूं अपने स्टूडियोज़ में और यहां आपसे कुछ आया हूं बातें करने के लिए। वैसे अब YouTube का सोशल मीडिया एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर हम बातें कर सकते हैं, अपने थॉट्स को बता सकते हैं, आप लोगों से मैं बातें कर सकता हूं, आप जो मुझे वहां देख रहे हैं अपने फ़ोन में और स्मार्ट टीवी पे शायद। जो मेरा रिव्यू रहा है, जो मेरा तरीका रहा है सीखने का चीज़ों को, फिल्म मेकिंग का, वो मैं आप लोगों से शेयर अप करना चाहता हूं और इसे एक कंटिन्यूस बेसिस में मैं शेयर करना चाहता हूं। स्पेशली क्योंकि अब जबकि हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं लोगों के लिए, भले वो ऑडियो अनाउंसमेंट्स हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट हो या फिर एक डॉक्यूमेंट्री हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स हम बना चुके हैं और कई कॉरपोरेट फिल्में भी हम लोग बना चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वीकली आपको मैं एक ट्यूटोरियल, या फिर मैं एक ट्यूटोरियल नहीं कहूँगा, इसे ये कहूँगा कि एक तरीके से एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में काम कैसा होता है। तो इसके साथ ही साथ मैंने ADS सीखा और प्रीमियर प्रो, उसके बाद कंपोजिटिंग, बहुत छोटी मोटी कंपोजिटिंग एनिमेशन तो हम किसी भी नॉर्मल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, भले ही वो प्रीमियर प्रो हो, और जिसे बहुत कम, जिसे मैं कहूँगा अंडररेटेड है, वो ADS है। ADS में हम कर लिया करते थे, काफ़ी कुछ उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें बस आपका विजन होना चाहिए और नॉलेज स्किल आपकी करते करते आएगी, कम से कम चीज़ों में आप उस कंटेंट को प्रोड्यूस कर पाए। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अगर अच्छा लगा ये शुरुआत तो ज़रूर जुड़िए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कम्युनिटी बना पाएंगे जिससे हम अच्छी लर्निंग एक फील्ड तैयार कर सकें। शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, वीडियो एडिटिंग के कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो हम डिस्कस करेंगे, आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या चीज़ डालनी है, और फिलहाल मैं अपनी तरफ से तो डालता रहूँगा चीज़ें आप लोगों को। हफ्ते में एक दिन हम मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम संडे को मिलेंगे, सुबह के टाइम आपके सामने एक वीडियो होगा और मैं इसी चीज़ की कोशिश करूँगा, हो सकता है कि ये फ्रिक्वेंसी और बढ़ जाए। तो थैंक यू विद दैट, सी यू, बाय बाय।